नमस्कार साथियों, कई बार हमारी जिंदगी में हमें काम का, रिश्तों का, परिवार का, जीवन में आगे बढ़ने का इतना ज्यादा तनाव हो जाता है कि उससे हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है और इसके कारण आपके जीवन के जीने का मजा बिल्कुल ही किरकिरा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे उपाय जिससे आपका मानसिक तनाव बिल्कुल ही दूर रहेगा। मानसिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे मन में बहुत सारी बातों का चलना और बहुत सारी बातों का होना। तो पहला तरीका जिससे आप मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं वो है कि आप अपने मन में कोई भी बातें ना रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को सोच सोच कर अंदर ही घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें मानसिक तनाव हो जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी हमारे मन में कोई बात आती है तो हम किसी रिश्तेदार, परिवार वाले या फिर दोस्त यार को उन बातों को क्लियर करें और उससे आपको मानसिक तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपको मानसिक तनाव होता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपके परिवार के बिल्कुल साथ रहना है और उनके साथ हर एक्टिविटी को करना है। जैसे मान लीजिए सुबह का नाश्ता आप उनके साथ कर सकते हैं, लंच उनके साथ कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं और ये दोनों ही नहीं कर सकते हैं तो आप शाम का डिनर जरूर उनके साथ करें। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है म्यूजिक। जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपके मन में बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। तो आपका पसंदीदा म्यूजिक भी आपके मानसिक तनाव को कम करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी मानसिक तनाव से दूर रहने का एक बहुत ही अच्छा उपाय हो सकता है। वैसे तो हर एक इंसान को मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना ही चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। लेकिन जब भी आप मानसिक तनाव महसूस करें तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि वो भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच कर भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो भविष्य के बारे में एक सही प्लानिंग कीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए, वजह इसके कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहें। कई बार लोग इसलिए भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम अपने हाथों में ले लेते हैं, फिर वो काम उनसे नहीं होता है और पूरे टाइम वो परेशान रहते हैं। इसलिए जब भी कोई काम या टास्क आप अपने हाथों में ले, सबसे पहले अपनी क्षमता को जानें कि आप कितना काम कर सकते हैं, कितने समय में कर सकते हैं और उसी के बाद काम करना शुरू करें। क्योंकि यदि आप क्षमता से ज्यादा काम अपने हाथों में लेंगे, उसे नहीं कर पाएंगे तो उसके कारण भी आप मानसिक तनाव में रहेंगे। ओवरथिंकिंग भी एक कारण हो सकता है आपके मानसिक तनाव का। कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी छोटी चीज पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और अच्छी नींद जरूर लें। लेकिन अच्छा भोजन लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाएं, बहुत ज्यादा जंक फूड खाएं और बाहर का खाना खाएं। अच्छी नींद लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 6 से 7 घंटे के अलावा 10 से 12 घंटा 13 घंटा सोएं। अच्छी किताबें पढ़ना भी आपके मानसिक तनाव को दूर रखने का एक बहुत ही अच्छा उपाय होगा। मैं तो हर व्यक्ति को सलाह देना चाहता हूँ कि बिना मानसिक तनाव के भी हर दिन आधा घंटा अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। जब भी आप अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है। जब भी आप मानसिक तनाव महसूस करें तो इन उपायों को जरूर उपयोग में लें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है तो इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचा दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।